नमस्कार, जेके खबरनाओं में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। बीडीओ ऑफिस सागाम कोकेरनाक के सामने लोगों ने बीडीओ ऑफिसर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, उन्होंने बीडीओ ऑफिस में करप्शन का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मनरेगा के जो एम्प्लॉयज हैं और वहां पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो 10 सालों से वहीं पर काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया जाए। इसी को लेकर हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ ने ग्राउंड रिपोर्ट देखी और लोगों से बात की। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सागम ब्लॉक में इस वक्त है जहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। इनके यही मांग है कि जो यहाँ के बीडीओ साहब है उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफर किया जाए, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे रिश्वतखोरी जो है वो नंबर वन पे चल रही है। और आज ये लोग जो है कोकरना के लोग, इनने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। कुछ लोग हमारे साथ ही, इनसे हम बात करेंगे। इन कुछ लोग हमारे साथ है जो यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ है, जेके खबरनाक के साथ। जी, अपना नाम बताइए और बताइए क्या मसला है। मेरा नाम इशफाक अहमद है, मैं यहाँ सागम ब्लॉक से ताल्लुक रखता हूँ। सागम ब्लॉक हम ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतना किसी करप्शन नहीं देखा है जितना यहाँ सागम ब्लॉक में हमने देखा है। दरवाजे से एंट्री करते हुए ही 10 रुपये से लेकर हज़ारों तक पैसे देने पड़ते हैं। हमने कहीं इससे पहले भी, हमारा ये पहले से ब्लॉक नहीं था, पहले हमारा कोकरनाक ब्रैंग में ब्लॉक था, तो वहाँ भी हम जाते थे, लेकिन ऐसा मुसीबत हमने कहीं नहीं देखा जैसा हमने जब से ये सागम ब्लॉक यहाँ से ये नामजद हुआ है तब से हमने यही मुसीबत देखा है। इसके पहले भी यहाँ जो वीडियो थे वो बहुत अच्छे, यहाँ बबलू था, जावेद शेख उसका नाम था, वो ईमानदारी से बहुत काम करते, मंजूर साहब था, वो ईमानदारी से बहुत काम अच्छे काम करते थे, लेकिन जब से ये मैडम आई है तब से यहाँ मानो ये एक तरफ से लूट मची है। आए वैसे लेकर SBM से लेकर आए वही तक किसी काम को, कोई काम नहीं है वो जो जिसको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। कोई चाहे कोई आम कोई कागज क्यों ना होगा, किसी को लेबर की जो कार्ड बनाना पड़ता है उसको साइन करना पड़ता है यहाँ कि हमारी अटेंडेंस दे दो भाई, हमने हमें लेबर डिपार्टमेंट को देना है, उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। आप खुद समझ सकते हो कि कितना मुसीबत है, कितना जुल्म है यहाँ सागम के लोग। आप क्या चाहते हैं सागम के ब्लॉक को? हम चाहते हैं अब गवर्नर इंतज़ाम से, यहाँ हमारा गवर्नर साहब जो है अच्छा है, जो खुर्शीद गनाई साहब भी हमारे यहाँ इलाके का है, हम चाहते हैं कि उनको ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से हमें निकाले और थोड़ा सा हमें भी मौका मिले कि हम भी लोगों गरीब आवाम को थोड़ा सा कुछ अगर पहुँचे, अगर ये मरकज से आता है गरीब आवाम के लिए तो उन तक ये हक पहुँच जाए तो वो अच्छा। जी, आपने देख रहे थे, इनका यही कहना है कि जो यहाँ पे जो है करप्शन नंबर वन पे चल रही है और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे काम होते हैं वो इंडिविजुअली बंदों को दिया जाता है। कैमरामैन रूप भट्ट के साथ मैं रईस वानी, जेके खबरनाक कोकरनाक। इस खबर को लेके जब हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ रईस वानी ने बीडीओ ऑफिसर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।